हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल किंग। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो आज हम तो दादा जी, जैसे अभी हमारे देश में बहुत सारे जो केसेस हो रहे हैं बलात्कार के या रेप के, तो उन लोगों को कौन सी सजा देनी चाहिए ताकि आगे और कोई कदम ना उठा सके? फांसी की। फांसी की तुरंत उनको फांसी की सजा देनी चाहिए? नहीं, सजाए हो उम्र कैद की सजा होना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? बस तो हमारे अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे यहाँ पे जुड़ने के लिए। और भी लोग हैं तो और लोगों की राय यहाँ पे जानेंगे। बहुत सारे लोग हैं, आगे चलते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग राय हो सकती है। हमारे एक यहाँ पे हमारे एक अंकल जी और बैठे हुए हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? प्रेमपाल नाम है जी। अभी हमारे देश में देखा जाए बहुत सारे जो राज्य है हमारे देश में रेप केसेस और बलात्कार के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उन लोगों को कौन सी ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे और कोई ऐसा कदम ना उठा सके? उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस मामले में कोई छूट नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। बिल्कुल छूट नहीं होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस और क्या। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अंकल जी का। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सबकी अपनी अपनी राय होगी, सभी से जानेंगे। आप देखते रहिए एंड तक। यहाँ पे इस पार्क में मैं दोबारा से आ चुका हूँ और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे, आगे चलते हैं। नमस्कार आंटी जी, थोड़ा आप रुकेंगी एक मिनट? आपका नाम क्या है? कमलेश। थोड़ा तेज बोलिए आप, नीचे आ जाए एक बार। यहाँ पे आंटी जी हैं हमारी, उनका कमलेश नाम है। क्या नाम है आंटी जी आपका? कमलेश। अभी हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और राज्यों में मतलब कुछ लोग कुछ केस आ रहे हैं रेप के या बलात्कार के, उन लोगों को आपकी समझ से कौन सी ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि वो आगे ऐसा कदम ना उठा सके? मेरे ख्याल से उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए, हाँ। और कोई सजा जो मतलब मिलनी चाहिए? और कुछ कहना चाहेंगे आप जो लोग आपको देख रहे हैं? मेरे हिसाब से फांसी मिलनी, तुरंत फांसी मिलनी चाहिए उनको। तुरंत फांसी मिलनी चाहिए, हाँ। तो हमारे यहाँ पे डर के मारे कोई दूसरा व्यक्ति ना करे इस काम को। बिल्कुल सही कहा आंटी जी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सभी से जानेंगे, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। धन्यवाद आंटी जी। हमारे अंकल जी यहाँ पे, नमस्कार अंकल जी, एक मिनट आप रुकेंगे? रुक देंगे? नहीं। तो अंकल जी कह रहे हैं नहीं रुकेंगे। नमस्कार आंटी जी, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिमला है। बेटे बिमला, जैसे अभी हमारे देश में बहुत सारे बलात्कार के रेप के केस आ रहे हैं, उनको कौन सी आपके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई व्यक्ति ऐसा कदम ना उठा सके? भाई बेटे, जो कोई गलत काम कर रहा है गलत सजा मिलनी चाहिए। नहीं, कौन सी मिलनी चाहिए ताकि कोई ना कर सके आगे? वही तो सर भाई, आप सरकार देखेगी हमारे कैसे कौन क्या कर रहा है। नहीं, विचार सभी के हो सकते हैं, इसमें हमें बोलने का अधिकार है आप सभी को। उन्हें तो मतलब जो कोई गंदा काम कर रहा है उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी मिलनी चाहिए ताकि कोई ना कर सके? बस बस हम क्या कह सके इस बारे में? कोई नहीं, यहाँ पे आंटी जी कह रही है हमारे कहने से क्या करेगा, लेकिन यहाँ सभी के अपने अपने विचार हो सकते हैं। और हमारे भाई बैठे हैं, जान लेते हैं एक बार। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? मेरा शिवम। क्या? शिवम। शिवम, क्या बात है। मेरा भी नाम शिवम है और इनका भी नाम शिवम है। थोड़ा तेज बोलें आप। शर्मा क्यों रहे हैं? शर्मा, ये शर्मा रहे हैं, बराबर वाले भाई से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष। ये थोड़ा तेज बोल रहे हैं, जो उसमें लगता है ब्रेकफास्ट करके आए। करके आए हो? नहीं। तो आप थोड़ा सही से बोल रहे हैं, आप पढ़ते हैं या नहीं? हाँ, पढ़ता हूँ 12th क्लास। 12th में अभी CBSE बोर्ड से? हाँ, CBSE बोर्ड। एग्जाम दिए या फिर दोगे आप? देंगे। आप दोगे? तो कौन सी साइड ली है आपने? साइंस साइड। साइंस साइड, नॉन मेडिकल। तो एक बार आप इधर आ जाए, अंकल जी आ गए यहाँ पे, तो एक बार ये बताएंगे जो हमारा भी देश है उसमें बहुत सारे केस रेप के या बलात्कार के आ रहे हैं, उन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई व्यक्ति ऐसा आगे कदम ना उठा सके? फांसी की सजा। इधर देख के बोलो, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, भाई कह रहे थे।